अगले दिन केटी वीरा के साथ ट्रोल से मिलने आती है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। इस बीच बाकी के क्लासमेट उसे देखकर हंस रहे हैं। ऑलिवर कहता है कि वह रिचर्ड के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो जाएगा क्योंकि उसे लगता है कि इस मुकाबले को और नहीं टाला जा सकता है। गाय मुकाबले की जगह के बारे में पूछता है और पीट बताता है कि युद्ध भूल भुलैया के पहली मंजिल पर हो रहा है। क्लास के दौरान कुछ स्टूडेंट्स ने ट्रोल से बात करने की कोशिश करने पर केटी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। गाय उन पर गुस्सा हो जाता है लेकिन ऑलिवर उसे शांत होने के लिए कहता है। तभी केटी वहां आती है और वे खुलेआम उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे पिंजरे में ट्रोल के साथ रहने के लिए कहते हैं। ये सुनकर ऑलिवर उन पर हमला करता है। फिर गाय और नानाओ भी लड़ाई में शामिल होते हैं और उन्हें जमकर पीटते हैं। हालांकि इसकी वजह से उन तीनों को डिटेंशन रूम में भेज दिया गया। केटी उनसे माफी मांगती है क्योंकि वह अपना बचाव खुद नहीं कर सकी और उन्हें यहाँ आना पड़ा। लेकिन ऑलिवर का कहना है वे यहाँ हैं क्योंकि वह खुद को काबू नहीं कर सका। गाय कहता है कि उन्होंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया और केटी की इसमें कोई गलती नहीं है। मिकेला उनके बातों से सहमत है लेकिन कहती है कि अब फर्स्ट ईयर के ज्यादातर स्टूडेंट्स उनके खिलाफ हैं और रिचर्ड संभवतः इसका फायदा उठाएगा। और ऑलिवर को चेतावनी देती है कि कल का मुकाबला ईमानदारी से तो बिल्कुल नहीं होगा। अगले दिन दो छात्र ऑलिवर और उसके दोस्तों को भूल भुलैया में युद्ध स्थान पर ले जाने के लिए आते हैं। ऑलिवर और बाकी सब अपनी तलवार पर जादू करते हैं और ऑलिवर उन्हें खतरा होने पर तुरंत हमला करने को कहता है। भूल भुलैया में पीट ये बात से चिंतित है कि युद्ध के बहाने यह कोई साजिश तो नहीं, लेकिन ऑलिवर उसे सुनिश्चित करता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। वे एक बड़े कोलोसियम और युद्ध देखने आए छात्रों की एक बड़ी भीड़ को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोनों छात्र उन्हें बताते हैं कि जो लोग भाग लेंगे वे मैदान में चले जाएंगे जबकि बाकी लोग स्टैंड में सीटें ले सकते हैं। ऑलिवर मिकेला से बाकियों का ध्यान रखने के लिए कहता है। फिर ऑलिवर और नानाओ मैदान की ओर बढ़ते हैं लेकिन रिचर्ड उन्हें पीछे खड़े रहने के लिए कहता है क्योंकि पहले एक प्रदर्शनी लड़ाई है। फिर रिचर्ड और उसके साथी दो कोबोल्ड्स का सामना करते हैं और रिचर्ड आसानी से उनमें से एक को मार देता है। ऑलिवर नानाओ को बताता है कि ये जादूगरों द्वारा खेला जाने वाला एक पारंपरिक खेल है जहां वे उनका शिकार करते हैं। लड़ाई के बाद रिचर्ड ने ऑलिवर से कहा कि ऑलिवर को हराने से उसे कोई सम्मान नहीं मिल सकता है क्योंकि वह उससे कम अनुभवी है और इसके बजाय वे बारी बारी से कोबोल्ड्स का शिकार करेंगे और जो अधिक शिकार करेगा वह विजेता होगा। ऑलिवर देखता है कि रिचर्ड के पास कोबोल्ड्स का शिकार करने का अनुभव है जबकि नानाओ ने आज से पहले कभी कोबोल्ड देखा ही नहीं, लेकिन वह सोचने लगता है कि अगर वह हार गया तो रिचर्ड के साथ उसका रिश्ता अच्छा हो सकता है। दूसरे कोबोल्ड्स वहां से जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वापस आकर लड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स बेरहमी से उनका शिकार करते हैं और भीड़ में खड़े दर्शक इस पर हंसते हैं। नानाओ ये देखकर क्रोधित हो जाती है और सभी पर चिल्लाती है कि वे लोग कितने निर्दय हैं क्योंकि वे उन बेजुबानों से लड़ रहे हैं जिनमें लड़ने की इच्छा भी नहीं है और उनमें से लगभग सभी सुरक्षित दूरी पर खड़े हैं। ऐसी लड़ाई में कोई सम्मान नहीं है। फिर स्टूडेंट्स नाराज हो जाते हैं और नानाओ पर बोतलें फेंकना शुरू करते हैं। वह ऑलिवर की ओर मुड़ती है और उससे कहती है कि उन्हें चले जाना चाहिए क्योंकि यह लड़ाई उनके योग्य नहीं है। कुछ छात्र नानाओ को यह कहते हुए जाने से रोकते हैं कि अगर उसने जाने की कोशिश की तो वे उसे पीटेंगे, लेकिन नानाओ कोबोल्ड्स की तुलना में उनसे लड़ना पसंद करती है। जो छात्र यहाँ ऑलिवर का नेतृत्व कर रहे थे वे अगले कोबोल्ड को रिहा करने के लिए जाते हैं, लेकिन कोबोल्ड के बजाय एक गरुड़ दिखाई देता है और उन पर हमला करता है। यह देखकर रिचर्ड चौंक जाता है कि वहाँ एक गरुड़ है। रिचर्ड के साथी गरुड़ पर हमला करते हैं लेकिन गरुड़ उन्हें आसानी से हरा देता है और अन्य छात्रों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ऑलिवर का कहना है कि यह एक परिचित दिव्य जानवर है और वे इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। बाकी के स्टूडेंट्स मैदान से भागने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। रिचर्ड गरुड़ के हमले को देखकर डर जाता है और वहां से भागने लगता है। यह देखकर गरुड़ उसके पीछे जाता है और जैसे ही उसे मारने वाला होता है नानाओ अंदर आती है और हमला रोक देती है। नानाओ फिर इनोसेंट कलर का उपयोग करके गरुड़ पर हमला करती है। इस बीच मिकेला अपने दोस्तों को कोबोल्ड से बचाती है। गाय का कहना है कि उन्हें नानाओ की मदद करनी चाहिए लेकिन मिकेला उन्हें यहीं रहकर अपनी हिफाजत करने को कहती है क्योंकि उसने ऑलिवर से उनकी सुरक्षा का वादा किया है। लड़ाई के दौरान गरुड़ नानाओ पर शक्तिशाली वार करने के लिए ऊपर उड़ता है लेकिन ऑलिवर उसे बचाने के लिए एक जादू का उपयोग करता है और उसे हमले से दूर धकेल देता है। फिर गरुड़ ऑलिवर की ओर मुड़ता है।
ओलिवर उस पर हमला करता है, लेकिन गरुड़ उसके हमले से बचने में सफल हो जाता है और उसके पेट पर वार करता है। तभी नानो फिर से गरुड़ को रोक देती है और ओलिवर मौके का फायदा उठाकर छुप जाता है और अपने घाव को ठीक करना शुरू करता है। रिचर्ड ने ओलिवर से पूछा कि वह कैसे लड़ रहा है और क्या वह डरता नहीं है। ओलिवर ने खुलासा किया कि वह डरता है, लेकिन नानो संभवतः ऐसी नहीं है, वह उसकी तरह सामान्य नहीं है। यही कारण है कि उसे उसकी मदद करनी होगी और उसे एक सामान्य व्यक्ति बनना सिखाना होगा। जैसे ही ओलिवर लड़ाई पर लौटने के लिए निकलता है, वह रिचर्ड को बताता है कि नानाओ भी रिचर्ड को लड़ते हुए देखना चाहती थी। लड़ाई में दोबारा शामिल होते हुए ओलिवर नानाओ से कहता है कि वे ज्यादा देर तक गरुड़ से नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए वह उसके लिए गरुड़ पर हमला करने और उसे मारने के लिए एक रास्ता बनाएगा और मौका मिलते ही नानाओ को उस पर घातक प्रहार करने को कहता है। जल्द ही गरुड़ हवा से हमला करने की कोशिश करता है, जिसका ओलिवर इंतजार कर रहा था, और इसमें बाधा डालने के लिए टोनीट्रस का उपयोग करता है, जिससे नानाओ को हमला करने का मौका मिलता है। हालांकि गरुड़ बहुत जल्दी हमले से उबर जाता है और ओलिवर अपने शरीर के साथ नानाओ की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही गरुड़ उस पर प्रहार करने वाला था, रिचर्ड उस पर इम्पीटस से हमला करता है और ओलिवर को गरुड़ के हमले से बचाता है। फिर नानाओ गरुड़ पर हमला करने के लिए कूद पड़ती है और इससे घायल हो जाती है, लेकिन वह गरुड़ का सिर काटकर उसे मारने में सफल हो जाती है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। नानाओ और ओलिवर रिचर्ड को धन्यवाद देते हैं। रिचर्ड कहता है कि अब से वह भी अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है, लेकिन लड़ने से डरता है। हालांकि वह हारने और अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी कहलाने से अधिक डरता है। उसे इस बात पर आश्चर्य होता है कि वे बिना किसी हिचकिचाहट के अपने से अधिक शक्तिशाली दुश्मन से कैसे लड़ सकते हैं। नानाओ का कहना है कि एक समुराई अपना दुश्मन नहीं चुन सकते और एक बार लड़ाई शुरू होने पर वे केवल अपनी जीत पर विश्वास कर सकते हैं। हालांकि ओलिवर अलग तरह से सोचता है और कहता है कि ऐसे दुश्मन से भागने में कोई शर्म की बात नहीं है, जिसे आप हरा नहीं सकते। लेकिन रिचर्ड ने हिम्मत दिखाई और लड़ाई में डटा रहा, जबकि ज्यादातर छात्र वहां से भाग गए थे। ओलिवर उस साहस और सम्मान को कभी नहीं भूलेगा जो रिचर्ड ने आज दिखाया। नानाओ भी रिचर्ड की प्रशंसा करती है और उसे एक सच्चा योद्धा कहती है, जिससे वह भावुक हो जाता है और रो पड़ता है। फिर बाकी लोग आते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे ठीक हैं। मिकेला रिचर्ड को उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद कहती है और उसे इस रूप में देखकर खुश है। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।